गूगल करते हो ना वर्ड्स, तो तुम गूगल उस वर्ड को पुट करोगे और डायरेक्ट तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगी, काम खत्म. इसको सब बोलते हैं बहुत इजी वे होता है, टाइम तुम्हारा यू बच जाता है, टाइम सेवर है, एनर्जी सेवर है, बट वो फुलिश चीज है. वो उनके लिए है जिनको लर्निंग करनी ही नहीं है, जिनको टाइम बचा के चलना है. तुम लोगों को दोनों चीजें करनी है, तुम्हें पढ़ना भी है, सीखना भी है और टाइम भी बचाना है. सो क्या करा करो, डिक्शनरी यूज करा करो. एक मोटी सी ऑक्सफोर्ड की या कोई भी अपने पास होनी चाहिए, हैंडी होनी चाहिए, ऐसे नहीं इतनी बड़ी उठा के ले आए हो. ऐसी जिसमें तुम्हें कोई वर्ड्स मिल जाए तो जो तुम्हें बेसिक लाइफ में चाहिए, जिसकी नीड होती है. सो कीप अ डिक्शनरी विथ यू. अब इसका पर्क ये होता है, तुम समझो कोई ऐसे कोई वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो. ओके, माय नेम इज सौम्या, यू आर फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ सौम्या. डिक्शनरी में होता नहीं है बट ओके यू आर फाइंडिंग इट. तो सौम्या तक पहुंचते पहुंचते जब तुम ऐसे स्किम कर रहे होगे ना थ्रू द डिक्शनरी, यू विल फाइंड कि इसके काफी सारे वर्ड्स तुम्हारी ऐसे नजरों के सामने आ जाएंगे. एंड दैट फैसिनेट्स यू. अपने ब्रेन को एक चीज होती है दैट कुछ अननोन को, अननोन के सामने आते हैं या कनेक्ट होते हैं तो वो हमें बार बार बोलने में मजबूर करता है कि उस चीज को देखो, उस चीज को समझो, क्यूरियस करता है. ऑब्वियसली उसका प्री रिक्वेस्ट भी ये है कि तुम इंटरेस्टेड रहो जिस चीज को पढ़ रहे हो. बट डिक्शनरी में ये चीज बहुत अच्छे से होती है. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ऐसे ऐसे तो कोई वर्ड दिखता है, देन योर माइंड थिंक्स कि इसका मीनिंग क्या होगा. तो तुम रुक के उस पर पॉन्डर करते हो, सोचते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. ठीक है, सो डिक्शनरी को लेके ये यूज हो सकता है. एंड आई कैन नॉट टेल यू एनफ, बट मैंने दो चार लोगों से सुना है कि जब हम मेन वर्ड ढूंढ रहे होते थे, जिसको ढूंढते थे वो तो ठीक है सीख ही जाते थे, बट जब उसको ढूंढते हुए जिस प्रोसेस में वो दूसरे तीसरे वर्ड पे आते थे ना, वो वर्ड एग्जाम में आ जाता था. वो बस उनके बड़े ऐसे ब्रेन में बड़े वेगली सेटल हो गया था कि इसका मीनिंग ये होता है. उन्हें ज्यादा उस पर पढ़ा नहीं, मेन वर्ड तो वो पढ़ ही रहे थे. इसको तो बस हमने ऐसे स्किम करा था, बट वो स्किम से भी दैट क्लिक एंड दैट केम इन देयर एग्जाम. और एलिट का एग्जाम था. हाँ तो हमें हमें जब डिक्शनरी पढ़नी है तो मतलब जैसे अगर हम एक वर्ड ढूंढ रहे तो उसके ऊपर नीचे वाले वर्ड भी एक बार देख लें। देख लिया करो ऐसे, मतलब ये क्या होता है, तुम लोगों का कितना ही टाइम जाएगा, 2 मिनट 3 मिनट, इतना टाइम तो होता है ना दिन में. सो कोई जैसे एक वर्ड देख रहे हो, सौम्या देख रहे हो, उसके ऊपर कुछ और वर्ड मिल गया. एंड इफ यू नो दैट यू डू नॉट नो दैट वर्ड, तो एग्जाम के पहले तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें ये वर्ड नहीं आता, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. एग्जाम के पहले की प्रिपरेशन यही होती है, इस पीरियड की तो यही प्रिपरेशन है कि तुम जानो तुम्हें क्या नहीं आता और उसको पढ़ो. ठीक है, एंड हुएवर आस्क दिस क्वेश्चन, ऐसे ही कोई भी कभी भी पूछ लेना बीच में, बिकॉज मुझे तुम लोग नहीं दिख रहे हो ना, चैट बॉक्स दिख रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, तो मुझे ऐसे आके देखना पड़ेगा. एंड इट विल, सौम्या मीन्स ब्यूटी और पीस ना, या इट मीन्स बोथ. सो ओके, सो एंड द सिक्स पॉइंट इज बिल्ड योर ओन डिक्शनरी. गाइज दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. तुम किसी एनएलएस वाले से बात करोगे, नालसार वाले से बात करोगे, कोलकाता और कम डाउन टू गांधीनगर, गुजरात, भोपाल, एनी कॉलेज, उन लोगों का सबसे पहला इनिशिएट यही रहता था, सॉरी फर्स्ट इनिशिएटिव यही रहता था व्हेन दे एंटर्ड इनटू द प्रिपरेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ देम, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कि सबकी एक नोटबुक होती थी जिसमें उनके खुद के वर्ड्स होते थे. अभी शायद ऋषि ने चैट बॉक्स में बोला था एंड Somebody did a plus one उस पे कि when you read newspapers you note it down. Please everybody start doing it if you are not doing it already. अभी तक कर लेना चाहिए था start, but नहीं कर रहा है तो it's never too late to start afresh. जितने नए words पढ़ रहे हो, वो dictionary में जैसे अभी पढ़ा कि ऐसे ऊपर नीचे करके तो मैं नए तीन word कुछ दिख गए, वो दिखा नया and you will say कि यार अब तो याद रहेगा हमेशा. ये सब करोगे ना, practice, revision, pronunciation और क्या, find out how you learn best. Okay, इसको skip करके. ये सब तब होगा जब तुम्हें already word को तुम memory box में रख रहे होगे. And though your brain is a masterpiece, उस पे भी overload हो जाता है. तो वो overload को clutter करने के लिए, तुम sorry declutter करने के लिए you have to write it down in your notebook. फिर एक हफ्ते, जैसे एक दिन में तुम 10 words सीख रहे हो, 10 words लिख दो यहाँ पे, 10 words लिख दिए, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन. संडे को बैठो, 7 × 10 करो, 70 words. तुमने 70 words पूरे हफ्ते सीखे हैं. They might clutter your mind. तुम्हें याद नहीं रहेंगे 70 के 70. आज क्या तुम्हें कल मैं आज के वर्ड्स पूछूंगी तुम थोड़ा भूल जाओगे, परसों पूछूंगी वो भूल जाओगे, नरसों पूछूंगी वो भूल जाओगे. बट वेन यू हैव इट रिटन डाउन यू विल बी वेरी इजिली एबल टू रिकॉल देम. तो जैसे ही मौका मिले उस चीज को लिखो. मैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दी थी, इसको थोड़ा सेक्सिस्ट बन के लोग कर देते हैं, गर्लिश चीज है, बट दिस इज वेरी नाइस अनक्रिएटिव. और वो नोटबुक मेरे पास अभी भी है. व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई वुड टेक अ ब्लैक पेन एंड अ ब्लू पेन,
ब्लैक पेन से मैं मीनिंग लिख सॉरी वर्ड लिखती थी ब्लॉक लेटर्स में, एंड देन मीनिंग लिखती थी ब्लू पेन में कर्सिव राइटिंग में. अब तुम्हारे ब्रेन को तुम्हें मैनिपुलेट करना होता है चीजों को याद रखने के लिए. अब पेपर में कभी कभी ऐसा क्या होता है, तुम्हें वो पेज याद आने लगता है कि अरे ये वर्ड उस पेज में था. सो उसको ट्राई करने के लिए यू हैव टू मेक इट क्रिएटिव. सब ब्लू 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 एक ही फॉन्ट में लिखते जाओगे तो तुम्हारा दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा. तुम वन वन का आंसर थ्री वाले से मैच कर दोगे. बट वेन यू हैव इट रिटन डिफरेंटली, बोल्ड वर्ड्स में वर्ड लिखा हुआ है, मीनिंग उसका तुमने कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है, देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. कि तुम्हारा जब ब्रेन रिकॉल करेगा तो उसके पास चीजें होंगी उसको अच्छे से याद करने पे. सो दिस इज योर बिल्डिंग योर ओन डिक्शनरी. अपनी एक नोटबुक बनाओ सेपरेटली एंड दिस विल कीप दिस विल बी विथ यू फॉर एवर. अभी सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन के लिए नहीं, आगे जाके भी कुछ नए वर्ड सीखोगे तो उस पे भी तुम लोग उसको ऐड कर सकते हो. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग देम डाउन, कभी कभी कुछ अच्छी एप्स होती है, नोट्स ऐप या कुछ है, उसमें फॉन्ट बदल बदल के भी लिख सकते हो. अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी. मैं फास्ट हूँ, स्लो हूँ, कुछ समझ नहीं आया, कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो प्लीज गो अहेड. किसी को कोई डाउट है? दीदी, इज देयर एनी ऐप टू बिल्ड आवर वोकैबुलरी? यस यस, आई विल बी टेलिंग इट. अभी ये डॉक्यूमेंट में मैंने नीचे बहुत सारे सजेशंस डाले हुए हैं, सो आई जस्ट लेट यू नो. और कोई किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट? नो डाउट. ओके, सो वी हैव अ फ्यू ट्रिक्स एंड एज आई थिंक सौम्यजीत ओनली आस्क्ड कि कोई एप्स बताओ. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ. ये सारी एप्स में से कोई दो तो अपने फोन में रखना ही है तुमको, ठीक है? अब ट्रिक्स की सबसे पहली चीज होती है इंगेज इन कॉन्वर्सेशंस. इधर पे भी उसका रिलेशन आता है. ये टिप दी थी ना मैंने प्रैक्टिस और रिवीजन की, इसको रिलेट कर लो कॉन्वर्सेशंस में इंगेज होने की. तुम जितना लोगों से बात करोगे, फालतू बकवास नहीं करनी है. किसी का मैसेज आया क्या? हाँ, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी. ओके, सो फालतू कॉन्वर्सेशन में नहीं बात करनी है कि बस गप दे रहे हैं अपन. बट इफ यू आर एंगेजिंग इन फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशंस, और आई थिंक 2021 में जो टॉपर्स थे, इफ यू नो जो AIR 1 आया था, AIR 2 सॉरी AIR 2, 3 एंड 10, ये तीनों फ्रेंड्स थे और इनका एक ग्रुप होता था. दे यूज टू शेयर स्टडी मटेरियल, उधर पे चीजें डिवाइड करके पढ़ते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे, सारी चीजें करते थे. उनके इंटरव्यूज देखना. उसमें उन लोगों ने ये भी बताया है दैट दे यूज टू टॉक टू ईच अदर अ लॉट, और वो गप नहीं देते थे ऐसे कि आज दिन में ये करा यार, बस इतना ही कर पाया, मम्मी ने डांट दिया, आज ऐसा हुआ, आज क्रश से क्रश हट गया, आज ब्रेकअप हो गया, ये सब बातें नहीं होती थी. उनकी बातें क्या होती थी? विच वुड यूज द वर्ड्स दे हैव लर्न्ड. तो तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, डिक्शनरी रख रहे हो, अपनी डिक्शनरी बना रहे हो, प्रोनंसिएशन कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, इन सबको तुम पुट इन टू यूज कब करोगे? जब तुम कॉन्वर्सेशन में एंगेज करोगे. मैंने इधर लिखा नहीं है तुम कॉन्वर्सेट किसके साथ कर रहे हो. अगर तुम लोग थोड़े से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वालों में से होगे, जो खुद से बात करना जानता है, तो उस पे भी ये वर्क करता है. टॉक टू योर सेल्फ, हैव कॉन्वर्सेशंस, खुद से पूछो हाउ एम आई. आई एम गुड, एवरीबडी सेज आई एम फाइन, यू जस्ट से आई एम गुड. एंड इफ यू आर यू से व्हाट हाउ हैज योर डे बीन, माई डे हैज बीन वेरी अमेजिंग एंड आई प्रीटी मच हैव बीन लर्निंग सो मच दैट इट हैज बीन वेरिंग माई इंटरेस्ट टूवर्ड्स द फील्ड आई हैव बीन चूजिंग टू. मैंने एक सेंटेंस बोला जो बहुत सीधे में हिंदी भाषा में बोल दिया जाता है, बढ़िया था यार. इंग्लिश में जनरली इसको बोले जाते हैं आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट, आई मेड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, तो मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया. एंड इसको और इंटरेस्टिंग करे तो ऐसे बोल सकते हैं माई डे हैज बीन गुड, आई हैव बीन एनरिचिंग इट विथ माई हार्ड वर्क एंड फ्लरिशिंग इट विथ माई हसल. I hope to continue doing so because it really fuels my energy towards the dream I have to accomplish. ये पूरा जो मैंने बोला, ये सिर्फ आया because I read and because I have good vocabulary skills. अब बताओ, 10 लोग खड़े हुए हैं, उसमें से किसी सबसे पूछा how has your day been? Fine, good, nice, happy, and boring. उसके बाद मैंने ये चीज़ बोली, which one would you really want to talk to? मुझसे ही बात करना चाहोगे ना कि इतना सारा चीज बोली और ये अच्छी बात हो रही है. ऐसे नहीं कि मैंने दिमाग बेकार कर दिया कि अरे ऐसा कैसा दिन चला गया, ये क्या गया. यू रियली विश टू टॉक टू समबडी हु स्टैंड्स आउट, सो एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस. अब वो खुद के साथ करो या किसी और के साथ करो, बट टॉक मोर.
तो तुम लोग ये सब प्रैक्टिस, रिविजन, डिक्शनरी, ये कुछ भी कर पाओगे. इसके लिए एक टिप और दे सकती हूँ कि इंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकता है. यू कैन इंगेज अबाउट टॉकिंग, यू कैन इंगेज टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स, जीके का कोई टॉपिक, टॉट्स का कोई टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट्स का, किसी भी चीज का कोई टॉपिक ले लो, उसके बारे में खुद के ओपिनियंस फॉर्म करो. यू विल फॉर्म ओपिनियंस, तो यू विल इंगेज इन कॉन्वर्सेशन आइदर विथ योर सेल्फ और विथ समबडी एल्स. उसमें ट्राई टू डू दिस, नए वर्ड्स, उसमें नए वर्ड्स डालो. ठीक है, सो दिस वुड वर्क. एंड डाउनलोड एप्स एंड यूज देम. इसमें से आई हैव यूज्ड ये वाला ऐप, ये वाला ऐप, हाँ ये तीन मैंने यूज करे हैं एंड दे आर रियली ग्रेट. ये वाला मेरे को नया सुनने में आया और इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे काफी पसंद आया, सो आई पुट इट. और ये वाला शायद ऐसा है कि इसमें तुम्हें पिक्चर्स, वर्ड का फील, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ दिया जाता है. कुछ कुछ है, आई हैवंट ट्राइड, मैंने बस अभी डाउनलोड करा थोड़ी देर पहले. सो ये डाउनलोड करो एंड डू लेट मी नो कि कैसे वर्क करता है. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 पांच एप्स हैं एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. पांचों के पांचों नहीं करने, क्योंकि पांचों के पांचों आते हैं तो ये दो चीजें होती हैं, या तो पांचों से पढ़ाई होती है या फिर किसी से नहीं होती. यू प्रोक्रेस्टिनेटेड, यार बहुत ज्यादा, इतना थोड़ी करना होता है. ठीक है, सो पांचों मत करो, कोई दो ऐप करके डाउनलोड कर लो. वर्ड ऑफ द डे में तुम्हें रोज एक वर्ड मिल जाएगा एंड इट गिव्स वेरी डिफरेंट वर्ड्स, ऐसे रोजमर्रा के जीवन के नहीं देते सड़े हुए से, कि जो तुम्हें ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में दिख रहे होंगे या फिर ऐसे आ रहे होंगे. इट गिव्स बहुत डिफरेंट, कभी ऑक्सफोर्ड से उठा के दे रहा है, कभी किसी से दे रहा है, कोई अलग न्यूज़पेपर में आए होते हैं वो वर्ड्स, तो इट बिकम्स बेटर फॉर यू. तो ये ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज देम. And you can make it easier. The process I'm talking about. Process बहुत tough होती है कि एक हाँ process tough होती है कि ये सब याद कैसे करें. अभी तो बताया कि dictionary बना सकते हो, सब करते हो, but फिर भी एक होता है ना कि dictionary ठीक है वो तो चल रही है चीज, but वो उठाना है, लिखना है, सब करना है. इसको भी easy बना सकते हो by using sticky notes, phone wallpaper and recalling a night before. इसमें sticky notes क्या कर सकते हो, if you can see me, you can see this, can you see, ये sticky notes लगे हुए हैं ऊपर और ये ऐसे मेरा black to do list का चीज है. So ये जो sticky notes दिख रहे हैं ना, इस पे I somehow write different things अभी तो, but जब whilst I was preparing or doing different things, so in sticky notes पे I used to write the things I can't really remember for long. तो वर्ड्स और इन सब के साथ ऐसे क्या होता है कि पढ़ते टाइम तो बहुत इंटरेस्टिंग, अरे आ गया आ गया, अरे ये तो बिल्कुल आ गया, अरे ये तो और ज्यादा जल्दी आ गया, एक एक सेकंड में चीजें आने लगती हैं. फिर 5 मिनट बाद पूछो, ओ अरे वो था ना, ऐसे ऐसे कुछ था, मुझे याद है, मेरी यहाँ तक गले तक आ गया, बस एकदम ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा सब होने लगता है. तो उससे बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक स्टिकी नोट्स एंड दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. उसको क्रिएटिव भी बना सकते हो, लिख के अच्छे से रख रहे हो. स्टिकी नोट्स का मतलब ये नहीं है कि सही में स्टेशनरी से खरीद के लाना है, एक टेप और पेपर ले लो, उस पर अच्छे से अलग हैंडराइटिंग में या फिर कलरफुल पेन से लिख के खत्म कर दो. फोन वॉलपेपर सबसे फीजिबल चीज होती है, बहुत कम मेहनत लगती है इसमें, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना कि बाउंड्री दे रहे हो, फ्लावर डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. पिंटरेस्ट या गूगल पे जाना एंड फाइंड अ लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, उसको अपना फोन का वॉलपेपर बना लो. बार बार उसको देखोगे तो तुम्हें याद रह जाएगा. और ये फोन का वॉलपेपर बेसिकली पीपल डू इट फॉर मैथ्स के फॉर्मूलाज एंड ग्रामर के रूल्स, बट यू कैन ट्राई इट फॉर वोकैबुलरी ऑल्सो. और फोन के वॉलपेपर नहीं, कभी कभी आई थिंक व्हाट्सएप भी ऑप्शन देता है ना, चैट का पीछे बैकग्राउंड बदल सकते हो, वॉलपेपर वहां यूज कर सकते हो, किसी दूसरी चीज पे यूज कर सकते हो. टेलीग्राम, टेलीग्राम पे नहीं मिलता, बट हाँ ठीक है, कहीं भी जहां तुम्हारा बहुत फ्रीक्वेंटली नजर पड़ती हो वहां डाल सकते हो. होता क्या है, तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ती है एंड दिस इज स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क इज नॉट डूइंग मेहनत लेस, बट स्मार्ट वर्क इज मेकिंग योर काम इजियर. तो इजियर कैसे बना सकते हो, जहां पे बार बार नजर पड़ रही है, फोन की स्क्रीन पे पड़ रही है, किसी नोटबुक के कवर पे बार बार नजर पड़ रही है, वहां चिपका दो. ऐसी चीज क्या, तो रिकॉलिंग अ नाइट बिफोर, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसा हर सब्जेक्ट वाला इंसान बोलता हुआ, या तो सुबह उठ के उस चीज को रिकॉल करो या फिर एक दिन पहले रात में उसको रिकॉल करो. आई वुड प्रिफर रात को, क्योंकि तुम लोगों की नींद वैसे ही उड़ी हुई है, पेपर पास आ रहा है, तो जितनी कोशिश कर सकते हो चैन की नींद लाने का, प्लीज ट्राई इट. रिकॉलिंग अ नाइट बिफोर पे ये होता है, तुम्हें बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है कि तुमने ये चीज पढ़ी है. दो चीजें होती हैं इस पे, तुमने कुछ वर्ड सीखे आज, सब करा, रात को तुम लेके बैठ रहे हो, दो चीजें होंगी. एक, ओ ये तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से उसको इमेजिन करोगे, सब होगा, अच्छे से हो जाएगा एंड यू विल हैव अ पीसफुल नाइट. दूसरी चीज ये होगी, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, मैं सब भूल गई, मैं सब भूल गया, क्या पढ़ा था, दिन में तो सब याद आ रहा था, अभी कुछ नहीं आ रहा. देन
यू नो कि तुमने कुछ पढ़ा, तुम्हें नहीं आया, अभी तुम्हारे पास टाइम है रात का, 4-5 घंटे तो लगने नहीं वाले, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, उसको वापस रिकॉल करके यू कैन रिमेम्बर इट फॉर लॉन्ग. तो तुम्हारा दिन का टाइम बच जाएगा जो तुमने दिन में डाला हुआ था, और वो वेस्ट होने से, कि अगले दिन फिर उठ के फिर बोलोगे ये 10 वर्ड पढ़ने, नए वर्ड भी पढ़ने, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा. तो ये दो चीजें होती हैं, यू कैन मेक इट इजियर थ्रू दैट. एंड हाउ टू रिमेम्बर बेटर, रिलेट, चीजों को रिलेट करो. कुछ भी बेसिक सा कॉन्वर्सेशन कर रहे हो या कहीं पे कुछ बोलना है, तो उसको रिलेट कैसे करोगे, कोई वर्ड नया सीखा है उसे रिलेट कर पाओगे. जितनी अच्छी तुम्हारी वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा तुम बोल पाओगे उस चीज को. जैसे मैं बोल रही हूँ कि तुम लोग हार्डवर्क कर रहे हो, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ड्रीम्स. आई हैव टू यूज पूरा लाइन, गेटिंग क्लोजर टू योर ड्रीम्स. इसको एक वर्ड में पता है कैसे बोल सकते हैं, आई एम हसलिंग, HUSTLE. ये बोल दोगे इट वुड बी वेरी इजी. आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई ड्रीम्स, इसको एक्सपैंड करना बोलते हैं, आई एम हसलिंग. दिस इम्प्लाइज दैट यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट्स यू वॉन्ट टू अचीव. ठीक है, तो ये कैसे हो पाया, मैंने चीजों को रिलेट करा, मेरे पास एक वर्ड था, मैंने उसको घर पे पुट कर दिया. अपनी लाइफ आसान बनाओ, शॉर्ट बनाओ. ठीक है, जज के पास, लॉयर के पास इतना टाइम होना चाहिए कि वो लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है. उसको कंसाइज वे में चीजों को समझाना आना चाहिए. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ जज और अ लॉयर, इट्स ऑल्सो अबाउट अ लीगल प्रोफेशनल. सेकेंड चीज है निमोनिक्स. ये बहुत फेमस है बिकॉज इससे पिक्चराइजेशन रिलेट होता है. इसको तुम गूगल करोगे तो तुम्हें वेबसाइट्स मिलेंगी. आई हैव फॉरगॉटन मैं क्या यूज करती थी, और आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे उसका सोर्स नहीं डाला, आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप. निमोनिक्स क्या होते हैं कि तुम पिक्चर फॉर्म में उस चीज को याद करते हो. वो तुम्हें एक वर्ड देगा, सेंटेंस बना के देगा, उस सेंटेंस के लिए ही पिक्चर दे देगा बना के. ठीक है, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, वो वर्ड जो है वो तुम एक कहानी की तरह पढ़ोगे. वर्ड तो तुमने याद करा ही है, बट एट द सेम टाइम तुमने उस वर्ड की बैकग्राउंड स्टोरी बना के उसको याद करा है. तो कभी तुमसे पूछा जाएगा इस वर्ड का मतलब क्या है, तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि वो स्टोरी याद आ जाएगी. उस स्टोरी से क्या होगा, तुम उस वर्ड को कभी नहीं भूलोगे. सो दैट इज अ ट्रिक. एंड देन लास्ट एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रूशियल वन, स्पीक एंड पुट टू यूज. स्पीक टू योर सेल्फ, स्पीक टू योर पियर्स, स्पीक टू योर पीपल अराउंड और एनीबडी. जितना बोलोगे उतना याद रहेगा वो चीज. ठीक है, ये मैंने बता दिया वोकैबुलरी को लेके, अब बचा है रीडिंग को लेके. बिफोर दैट एनीबडी हु हैज अ डाउट और अ क्वेश्चन और एनीथिंग, प्लीज आस्क मी एंड गो अहेड. किसी को कोई डाउट, यू कैन से नो ऑल्सो, सो इट वुड बी हैंड्स अप फॉर मी कि मैं आगे प्रोसीड करूँ. दीदी हाँ हाँ दीदी मेरे वोकैबुलरी बहुत ही वीक है, तो अगर आज से स्टार्ट करूँ तो इट विल बी सफिशियंट? बहुत सफिशिएंट होगा, बिकॉज सबसे पहले तुम्हें पता चल गया एग्जाम के पहले कि वीक है, वरना बहुत लोग एग्जाम देते हैं फिर रियलाइज करते हैं अरे वीक थी, मेहनत कर लेनी चाहिए थी. पेपर में टाइम बचा है ना, अभी तुम्हें रियलाइज हो गया है. और इंसान यहाँ पे एक एक हफ्ते में कितनी सारी चीजें डिफरेंट कर सकता है. सो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करो, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू नेल द एग्जाम एंड एसेट इट. अच्छे से पढ़ो, और जो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दिए ना, इनको रोज फॉलो करो. लोग अगर 10 वर्ड रोज कर रहे हैं जिनको पता है उनकी वोकैबुलरी ठीक ठाक है, तुम 20 करो. प्रेशर मत लो, एक आध दिन ऑफ ले लेना, कि हफ्ते में 7ों दिन 20 पढ़ने की जगह पे हफ्ते में 6 दिन कर रहे हो, बट इंक्रीज थोड़ा सा. और इंक्रीज करने का ये मतलब नहीं होगा उसको याद ही नहीं कर रहे हो, कि बस भरे जा रहे हो, कभी रिकॉल नहीं कर रहे हो. डोंट डू दैट. एक टाइम निकालो प्रॉपर, उसको अच्छे से पढ़ो एंड गो विद इट. और कोई डाउट, इज वर्ड पावर मेड इजी हेल्पफुल एंड टू वॉट एक्सटेंट? देखो ऑनेस्टली बताऊं तो एवरीबडी सजेस्ट डूइंग इट, बट उससे तुम्हें ना सबसे बड़ी हेल्प क्या होती है, यू अंडरस्टैंड कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है. और वो सारे वर्ड्स कैसे नहीं बताता, बट एक तरह से जिस जिस मार्केटिंग से उसको सेल करा जाता है, दैट इज कि तुम्हें समझ में आ जाता है इस वर्ड का फॉर्मेशन का मीनिंग क्या हो सकता है. लाइक आई टोल्ड यू अबाउट द एम ए एंड द बीई. एम ए से कोई वर्ड बेसिकली चल रहा होता है, एम ए एल या एम ए से, तो वो हमेशा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है कि उसका इल माइंड है, एविल माइंड है जो भी. और अगर बीई से चल रहा होता है, दैट इज अ गुड इंटेंशनल पर्सन, गुड सॉरी मतलब अच्छे दिल वाला इंसान है, ऐसे समझ लो. ठीक है, तो ऐसी चीजें उसमें बहुत दी हैं. तो वो एग्जाम में कैसे कब हेल्प कर जाती है, जब तुम्हें कुछ वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा होता, तो क्लिक कर जाता है, अरे ये फॉर्म ऐसे ऐसे हो रहा है, फॉर्म ऐसे ऐसे हो रहा है. तो इससे क्या हो जाता है, तुम थोड़ा रिलेट कर पाते हो कि ऑप्शन एलिमिनेट करने में ईजी हो जाता है. और बाकी उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं अलग अलग जॉनर के, दैट समाउ हेल्प,
बट यू शुड डू इट वंस एंड ट्वाइस. अभी एक बार कर लो अगर स्टार्ट नहीं करी है, एंड देन यूज इट बैक मार्च के टाइम पे, मार्च के एंड एंड में. तो रिकॉल करके अप्रैल मिड तक खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी गुड टू गो. आई होप दिस सॉल्व्स योर क्यूरी. एंड और कोई जिसको कोई डाउट हो वोकैबुलरी को लेके? नोबडी? नो बोल दिया करो प्लीज. वेलकम. ठीक है और कोई नहीं है? अब मैं रीडिंग को लेके बता रही हूँ. एंड गाइज ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. तुम लोगों के पास तीन सेक्शन है रीडिंग को लेके, सोलली सिर्फ इंग्लिश, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग. अगर तुम सॉरी क्रिटिकली कह लो उसको, अगर तुम रीडिंग नहीं कर रहे हो तो तुम भूल जाओ, तुम्हारा क्लैट कहीं से भी निकल रहा है. जैसे निकलता हर इंसान कहेगी वो रैंक तो दे ही रहे हैं तुमको, बट तुम्हें ढंका कॉलेज, और ढंका कॉलेज इवेंचुअली इज द वन वेयर यू परफॉर्म टू योर फुल पोटेंशियल. बट अगर तुम चाह रहे हो, जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली चीजें तुम्हें अच्छे से मिल जाए, तो प्लीज फोकस ऑन रीडिंग. इट इज रियली रियली हेल्पफुल. हाँ मैं तो बहुत बड़ी बुक वर्म हूँ और रीडर हूँ. कोई और है क्या यहाँ पे जिसको रीडिंग बहुत पसंद है? प्लीज रेज योर हैंड या फिर ऑडियो ऑन करके बताओ जिसको रीडिंग बहुत पसंद है. ओ वी हैव थ्री पीपल, वी हैव मैनी पीपल. नाइस, बढ़िया. तो मतलब रीडर्स हैं यहाँ पे जो इंटरेस्टेड हैं, जो क्लैट को सिर्फ एज एन एग्जामिनेशन नहीं ले रहे बट इंजॉय भी कर रहे हैं. ठीक है ओके. सो राइट हाँ अब वील गो. सबसे पहले तो रीड क्यों करना है? मेक्स यू वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट. ये थोड़ा क्लीशे लग रहा होगा कि दिस विल मेक यू इंटेलिजेंट, दिस विल मेक यू स्मार्ट, बट सच्ची बता रही हूँ. तुम खड़े हो जाओ उस इंसान के साथ जो रीड नहीं करता और उस इंसान के साथ जो रीड करता है, बहुत मेजर डिफरेंस देखने मिलेगा. और यहाँ से तुम्हें पता चलेगा लिटरेट और एजुकेटेड में डिफरेंस क्या होता है. लिटरेट वो जिसे लिखना बोलना और पढ़ना आता है, एजुकेटेड वो जिसने वो लिखाई पढ़ाई को यूज करना आता है, वो होता है इंटेलिजेंट. और वो कब बनता है? जब वो करता है रीडिंग. सो डोंट मिस अ चांस इफ यू हैव इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ रीडिंग. रीड एज मच एज यू कैन बिकॉज दिस इज द रियल टाइम तुम लोग एग्जामिनेशन नेल कर सकते हो, अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो. दिस ऑल्सो मेक्स यू अ बेटर कॉन्वर्सेशनलिस्ट. तुम अच्छी कॉन्वर्सेशन कर पाते हो, तुम्हारे किसी ओपिनियन तुम्हारे अच्छे फॉर्म होते हैं. ठीक है, मैंने इस बुक में ये पढ़ा, मैंने उस बुक में ये पढ़ा, ये सब तुम बोल के उस कॉन्वर्सेशन को बेटर बना सकते हो. एंड योर ब्रेड एंड बटर इज बेस्ड ऑन इट, एंड इट ट्रूली इज. अगर तुम लीगल प्रोफेशनल बनने का सोच के बैठे हो, रीड नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा. पैसा भी तभी आएगा जब तुम्हें जॉब मिल रही होगी या फिर तुम किसी के लिए केस लड़ पा रहे होगे. तुम केस ही नहीं लड़ पाओगे तुम, क्योंकि केस पढ़ना पड़ेगा. पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे कैसे? लड़ोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? इसीलिए तुम्हें रीड करना बहुत जरूरी है. देन हाउ टू रीड? आंख खोलकर, दिमाग खोलकर, दिल खोलकर. अब इनके मीनिंग बता देती हूँ शॉर्ट में. आंख खोलकर इज नॉट जस्ट अबाउट मेयरली ओपनिंग योर आईज, इट्स ऑल्सो अबाउट उसके एनवायरमेंट में क्या हो रहा है. आंख खोलकर कैसे करते हैं? उस चीज को इमेजिन करो, जो पढ़ रहे हो उसको इमेजिन करो. इफ देयर इज अ एल्केमिस्ट इज अ वेरी कॉमन बुक, एवरीबडी माइट हैव रेड इट, जो बुक फॉर्म है. तो एल्केमिस्ट कोई पढ़ रहा है तो उससे अगर पूछोगे तो मैं उस बुक में क्या था, तो ये रैंडमली नहीं बताएगा कि लड़का था, शीप थी उसकी, ऐसे था, ये था, वो था. वो पूरी स्टोरी अच्छे से बता पाएगा बिकॉज जब वो पढ़ रहा था आंख के साथ साथ उसका इनोवेशन भी खुला हुआ था कि वो इमेजिन कर पा रहा था स्पेन की उस गलियों में वो घूम रहा है, रेगिस्तान में घूम रहा है, इसके साथ घूम रहा है, उसके साथ घूम रहा है, ये सब वो इमेजिन कर पा रहा था. सो दैट्स नॉट जस्ट अबाउट ओपनिंग योर बाहर वाली आंखें, इट्स ऑल्सो अबाउट दिमाग वाली आंखें. दिमाग खोलकर यहीं से आ रहा है, रिलेट कर लो कि खोलकर अच्छे से पढ़ो कि आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या हुआ है, उसको रिलेट करो. यहाँ से तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी और शायद लीगल रीजनिंग के पैसेज भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे कि चीजें यहाँ से यहाँ क्यों हो रही हैं, ऐसे रिलेट क्यों हो रहा है. दिल खोलकर इज मींस कि सही में उस चीज को एंजॉय करो. अभी यू नो द कर्स ऑफ स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशंस इज कि तुम्हें बहुत सारी चीजें वो करनी पड़ती हैं जो तुम नहीं चाहते हो करना. बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर ब्लेस्ड विद गिविंग एन एग्जाम लाइक क्लैट, द बेस्ट थिंग इज यू कैन रीड एनीथिंग ऑफ योर चॉइस और वो तुम्हें एग्जाम में प्रेप कराने के लिए हेल्प करेगी. तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रेलेवेंट स्टफ, कुछ भी पढ़ सकते हो और वो तुम्हें रीडिंग पसंद है तो तुम एट द सेम टाइम खुद को टाइम पास के लिए भी पढ़ा रहे हो कि माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम तुम्हारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो रही है. ओके सो दिस शोज कि आंख खोलकर और दिमाग खोलकर यू हैव टू स्टडी. गाइस तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना?
यस यस हाँ वही, मैं डर गई एक मिनट। ठीक है, व्हाट टू रीड, इसमें यस आया क्या? ठीक है, व्हाट टू रीड न्यूज़पेपर, इसके बिना तो नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था। बहुत सारे पैसेजेस ऐसे पकड़ते हैं वो और या छोड़ देते हैं, तो तुम क्यों नहीं चाहोगे? और रीड, पता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इस पे असर पड़ेगा, मतलब सॉरी, ये करोगे प्लस ये करोगे तो तुम्हें इतनी मेजर हेल्प होने वाली है। लाइक आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड, वो ये सब करके रीडिंग करता था, पेपर में सेम पैसेज आ गया जो एक न्यूज़पेपर में आया था, ही हैड रेड इट, तो उसको वो पैसेज ही नहीं पढ़ना पड़ा, उसका टाइम बच गया। अब सोचो कितना टाइम बचा होगा इंटरप्रेट करने का, इमेजिन करने का, क्लोजर फॉर्म करने का, समरी ढूंढने का, रिलेट करने का, सारा टाइम बच गया, क्योंकि उसने अच्छे से इमेजिन करा था, उसने अच्छे से दिमाग खोल कर पढ़ा था, उसने दिल खोल कर पढ़ा था। तो ये सेम पैसेज अगर आ रहा था तो वो रिलेट कर पाया, अरे अरे ये उसको लाइनिंग याद नहीं थी कि सेम 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 लाइनिंग होगी, उसको बस इतना आता कि शुरुआत ऐसे होती है, एंडिंग ऐसे होती है, वो सेम पैसेज आ गया, उसने बस देखा ये है, सीधे क्वेश्चंस पे आ गया। और तुम लोगों को पता है कि तुम्हें कितना टाइम लगता है रीड करने में, एंड कितना वो हैम्पर कर जाता है तुम्हारे दूसरे सेक्शन पे। जितना टाइम बचा सकते हो वो 2 घंटों में बचाओ, और जितना खर्च करना ही है उतना करो। व्हाट टू रीड में आई हैव रिटन योर सॉल्व मॉक्स टू, बिकॉज रीडिंग इज अ प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक पेज पढ़ा खत्म कर दिया भूल जाओ कभी पढ़ा था, नो। सॉल्व मॉक्स में क्या होता है, तुम अगर वापस रिविजिट करोगे, जब तुम लोग मॉक्स नॉट आई वुडंट से रीसॉल्व कर रहे होगे, बट उन्हें रिविजिट कर रहे होगे, तो एक पैराग्राफ तुमने पढ़ा हुआ है उसको वापस तुम कभी देखोगे, पीछे रिपीट करोगे अगर रीड करने के लिए, तो तुम देखोगे कि जब तुम पहली बार उसे पढ़ रहे थे तुम कितना वेग प्रेजेंटेशन सोच के बैठे थे कि ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, या फिर स्किम करके बस खत्म कर दिया था। वापस कभी रीड करने आओगे तो समझ में आएगा कि कितना डिफरेंट है। दैट शोज कि तुम्हारी इस बीच प्रोसेस कितनी हुई है रीडिंग को लेके, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए अपने सॉल्व मॉक्स, उनको लीगल रीजनिंग के लिए कह लो, क्रिटिकल या इंग्लिश, उनको रीड करो, बहुत मेजर डिफरेंस देखने मिलेगा जब पहली बार पढ़ा होगा उसके बाद अभी क्या पढ़ा होगा। वील गो टू ब्लॉग्स, जर्नल्स, बुक्स एंड आर्टिकल्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, बट एज वी आर कमिंग नियरर टू आर एग्जामिनेशन, और तुम लोगों का 12th बोर्ड का एग्जाम भी होगा, तो बुक्स वैसे तो 1 घंटा तो मैं रोज निकालना चाहिए बुक पढ़ने के लिए, बट अगर नहीं निकाल पा रहे हो, दीज वुड वर्क, ब्लॉग्स, जर्नल्स एंड आर्टिकल्स। इसके लिए भी आई टेल यू द सोर्सेज थोड़े बीच में नीचे जाके, बट वॉट हैपन्स, बुक उठा के मंगवा रहे हो, रीड कर रहे हो, वैसे तो ये बेस्ट 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 चीज होती है, बट स्टिल इतनी मेहनत नहीं करनी, तो ब्लॉग्स पढ़ो, जर्नल पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉट नॉट टू रीड में कॉमेंट सेक्शन नहीं पढ़ना है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, ऑलमोस्ट सभी चलाते हैं, किसी का बैठ के स्टॉक करते करते कॉमेंट सेक्शन नहीं पढ़ना है, इसने ये कॉमेंट करा, उसका थैंक यू ऐसे आया, उसने ये हार्ट लगाया, उसने ये कॉमेंट करा, ये करा, ये सब नहीं करना, ये रीड करना नहीं बोला। तभी मैं वॉट टू रीड में लिख रही थी मैं एवरीथिंग, फिर मैंने सोचा नहीं एक बार ये बता देते हैं ताकि तुम लोग थोड़ा प्रिसाइज हो जाओ, ठीक है? ये बकवास नहीं मानना कि कॉमेंट सेक्शन किसी का बैठ के रीड कर रहा है। देन वील गो टू रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके इतना ही बचा है। ये कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इससे तुम लोगों का बेटर हो सकता है रीडिंग शेड्यूल, विच इज शेड्यूल योर टाइम टू रीड, ठीक है? अपने ब्रेन को टाइम दिया करो कि जैसे तुम लोगों का एक सोने का टाइम बन जाता है और सुबह उठने का टाइम बन जाता है ना, कि सुबह 8 बजे सोना, सॉरी सुबह सॉरी सुबह 7-8 के बीच में उठना ही उठना है, रोज करते हो तो आदत बन जाती है, और रात को 11 से 12 के बीच सोना ही सोना है, तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। ऐसा होगा शेड्यूल टाइम टू रीड। मैं प्रेफर करूंगी कि तुम लोग इसको, तुम लोगों का पेपर कितने बजे, 2 से 5 होगा, प्लीज टेल मी, 2 से 5, 2 3 से 5, 3 to 5, 3 से 5, हाँ 3 to 5 होगा ना, तो शेड्यूल योर टाइम टू रीड। अब ऐसा करो जब मॉक होता है तो वो 3 to 5 ही दिया करो, कोशिश करा करो, मॉक नहीं है तो 3 से 5 के बीच सिर्फ रीड करो, क्या रीड करना है ये सब, सिर्फ रीडिंग, 3 से 5 में कुछ नहीं, सॉल्व और ये सब नहीं करना। अभी तो थोड़ा ठीक है लेट बैक हो सकते हो कि हफ्ते में 2 दिन ये चीज कर रहे हो, जैसे जैसे मार्च एंडिंग और अप्रैल बिगनिंग आएगी, सिर्फ शेड्यूल टाइम ऑफ रीडिंग, 3 से 5 के बीच सिर्फ रीडिंग 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 होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू गिव द हैबिट टू योर ब्रेन कि वो ये चीज समझ पाए कि 3 से 5 के बीच उसे सिर्फ प्रोसेस करना है। और ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है कि तुम लोगों का पेपर 3 से 5 के बीच क्यों होता है, बिकॉज खाना खा के इंसान पेपर देने जा रहा होता है, बहुत सारे नहीं भी जाते, बट और खाना खा के और दिन का टाइम वो 3 से 5 का ऐसा होता है जब तुम्हें सही में बहुत नींद आ रही होती है। पहले तो 2 से 4 होता था, वो तो और खतरनाक टाइम होता है, 5-4 बजे के बाद एटलीस्ट तुम थोड़े से फ्रेश रहते हो,
बट 3 से 5 दे आर टेस्टिंग योर पेशेंस एंड योर कंट्रोल ओवर योर सेल्फ कि तुम लॉयर बनने वाले हो, तुम कैसे वो प्रेशर हैंडल कर पाते हो. सो इसीलिए शेड्यूल योर टाइम टू रीड. अपने दिमाग को आदत डलवा दो कि 3 से 5 उसे सिर्फ रीडिंग करनी है. जो जो दिन में सोता है 3 से 5 थोड़ा सा एडजस्ट करो, बाद में सोना. चूज एंड यूज अ स्पेसिफिक रीडिंग स्ट्रैटेजी. इसके बारे में आई टेल यू इन वन ऑफ द क्लासेस. 3-4 स्ट्रैटेजीज होती हैं. थीफ मेथड होता है, SQR ऐसे कुछ मेथड होता है. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और उनसे तुम लोग बहुत ईजिली अपना पैसेज कंप्लीट कर सकते हो लेस टाइम में. देन मॉनिटर योर कॉम्प्रिहेंशन. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इट शुड डिपेंड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. मॉनिटर वही समझ लो क्लास का है, ठीक है. वो सबको देख रहा है, जो बात कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं, जो मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, उसको सबको कंप्लेन करनी है उनकी, उसको कंप्लेन करनी है सबकी टीचर से. मॉनिटर योर कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है जो तुमने पढ़ा है उसको, उससे तुम क्या समझ रहे हो. तो ये मॉनिटर करो कि तुम क्या समझ रहे हो उस चीज को, यूज कैसे कर पा रहे हो, अप्लाई कैसे कर पा रहे हो, ठीक है. स्ट्रेटेजाइज योर अप्रोच. एक अप्रोच के साथ चलो. एक पैराग्राफ जैसे समझो, तुम लोगों को मैंने ये रीड करने दिया, ठीक है. स्ट्रेटेजाइज योर अप्रोच. सबसे पहले ये पढ़ोगे, हेडिंग पे ध्यान जाएगा. अब इसमें देखो, ये सेम दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है. एक एक झलक में ये सब सेम दिख गया. रीड रीड रीड, टू रीड टू रीड टू रीड, वाय हाउ वॉट. इसे तुम स्ट्रेटेजाइज कर पाते हो कि तुम्हें रिकॉल अगर कोई चीज करनी होगी तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि टू रीड तो इसमें 10-3 बार दिया हुआ है, ये रीड नहीं करना है. टू रीड के आगे सिर्फ वाई हाउ वॉट लगाना है. तुम्हारा कम से कम 4-5 सेकंड बच जाते हैं, और ऐसे सेकंड बचा बचा के तुम 1 मिनट बचा लेते हो, एंड एग्जाम में ये गेम बदल देता है, ठीक है. गेट अ फील फॉर व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू बाय द रीडिंग. ये सोच के चलो कि तुमसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है रीडिंग में. तुमसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं रीडिंग में कि पहली लाइन से तुम्हें आपका नहीं कवि का क्या तात्पर्य है, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वो ये भी कर सकते हैं पहली लाइन का तात्पर्य तीसरी लाइन से क्या निकल रहा है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और इसके लिए आई वुड से देयर इज अ स्ट्रैटेजी विच इज रीड योर क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है. पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे फिर पैसेज रीड करोगे तो इजी हो जाता है. यू फाइंड एकदम लाइट चमकती आंख में, सॉरी दिमाग में, आंख बोल रही हूँ, दिमाग में जैसे किसी चीज को पढ़ते हो. एक्सप्लोर योर कंफ्यूजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक का सबसे ज्यादा. एक्सप्लोर योर कंफ्यूजन. रीड पैसेज करोगे, यहाँ से कुछ भी रीड करोगे, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए. अरे ये क्या बोलना चाह रहा है, अरे ये क्या बोल रहा है, दिमाग खराब कर रहा है. वो क्या बोलते हैं, दिमाग का दही कर रहा है, क्या बोल रहा है. वो कंफ्यूजन जो होती है ना, वो तुम्हें बताती है कि तुम कितने पानी में हो. तो इसको एक्सप्लोर करो. कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता. मुझसे टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करोगे, आई एम वेरी डम, मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं बहुत टाइम लगेगा समझने में. मुझसे हिस्ट्री के ऊपर बात करोगे, आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे ये आता है वो आता है. इंग्लिश के ऊपर करो, किसी लैंग्वेज को लेके करो, आई विल बी वेरी हैप्पी. बट टेक्नोलॉजी के लेके मुझे नहीं आता. तो जो कन्फ्यूजन मुझे टेक्नोलॉजी की आर्टिकल्स रीड करके आती है, वो सॉल्व कैसे होगी, व्हेन आई विल रीड मोर ऑफ देम. मुझे अगर कुछ नहीं आता तो मैं ज्यादा करूंगी तो ही तो सुधर पाऊंगी. सो द सेम अप्लाइज हियर, ठीक है. कोई डाउट तो नहीं है. देन वील गो टू ब्रेक लॉन्ग असाइनमेंट्स इनटू सेगमेंट्स. जैसे लॉन्ग असाइनमेंट, जैसे मुझे बहुत लॉन्ग था कि मुझे एक प्रेजेंटेशन या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मैंने इसको सेगमेंट्स में बना लिया. एक पार्ट होगा वोकैबुलरी, एक होगा रीडिंग, रीडिंग को बना लिया, और पार्ट्स में वाई टू रीड, हाउ टू रीड, व्हाट टू रीड, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स में. तो असाइनमेंट जो बड़े बड़े हैं उनको छोटे पार्ट में डिवाइड करो. तो मैं एक क्वेश्चन, एक सेट में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑलरेडी अ सेगमेंट. तो ऐसे सोच के बैठो कि अगर कुछ रीड कर रहे हो तो 3 पेज रीड करोगे, इसके बाद कितना रीड करोगे. ऐसे वी हैव अ फ्यू सजेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छे बच्चे इसको जरूर सॉल्व यूज करते हैं अपनी लाइफ में. टेड टॉक्स सुनो, क्लीशे वाली टेड टॉक्स. आजकल बड़ा मतलब ये चलने लगा है कि हर कोई इंसान टेड टॉक दे रहा ही हो रहा है, बट द ट्रूथ इज सबकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तभी उनको मुकाम मिल रहा है कि वो टेड टॉक पे जाके कुछ बोल पा रहे हैं. इसको सुनोगे ना तुम्हें समझ में आएगा इंग्लिश कैसे यूज हो रही है. द पर्सन हु वाज आस्किंग मी कि उसकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, वो इससे हो सकती है. कॉन्वर्सेशन सुनने की भी आदत होनी चाहिए, सिर्फ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए. टेड टॉक्स वो तुम्हें सिखा देगी. इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देखो, एंड आई डोंट वांट टू से दिस बट आई विल पुट इट, इंग्लिश मूवीज भी देखो, डॉक्यूमेंट्री भी देखो, मूवीज भी देखो. चलो ठीक है, ये भी डाल देते हैं. ज्यादा सीरियसली मत ले लेना, बट वेब सीरीज भी देख सकते हो, ठीक है. मिसेस, ठीक है, थोड़ा चिल विल कर, ठीक है. देखो जहाँ इंग्लिश अच्छी दिख जाए ना, बिकॉज आई सीन सिटकॉम्स में भी वो बहुत अच्छे से किसी वर्ड को यूज कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो इट रियली क्लिक्स यू कि यार इसका मीनिंग ऐसे. शेल्डन यूजेस
हाँ ओके, मैंने देखा नहीं है बट मैंने बहुत सुना है. ओके ओके, सो प्लीज कुछ भी ऐसे वॉच करो. मैं ये इंटेंशनली नहीं डाल रही थी, बट ऑब्वियसली चिल विल करने का भी अच्छे से टाइम निकाला करो, तो उसमें ये देखो. एट द सेम टाइम तुम्हारा दिमाग इंट्रीग होगा, नए वर्ड सीखने मिलेंगे और ग्रामर भी बेटर हो सकती है. उसमें आड़ी टेढ़ी ग्रामर भी होती है, जैसे अपन हिंदी बोलते हैं, हिंदुस्तान में हिंदी सबको आती है, पर अपन को पता है अपन शुद्ध हिंदी नहीं बोलते. ऐसे ही स्क्रिप्ट में भी चलता है इंग्लिश की, कि वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती है, बट वट एवर इट इज यू कैन पुट इन टू यूज. वॉट्स रैंडम वोकैब बेस्ड वीडियोज यूट्यूब पे डालोगे, वोकैबलरी कुछ भी, 10 10 घंटे की, 9 9 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की वीडियोज हैं. कुछ 10 मिनट की हैं, कुछ 2 मिनट की हैं, कुछ हैं जो 300 वर्ड 10 मिनट में सिखा रही है. ये सब देख लिया करो. मतलब जब समझ नहीं आया ना कि आज यार आज थोड़ा सुस्ती वाला दिन है, आज मन नहीं हो रहा पढ़ाई करने का, तो ऐसी वीडियोस से काम निकाल लिया करो कि इन्हें देख के इट वुड बी इजी फॉर यू. देन टॉक इन इंग्लिश एंड थिंक इन इंग्लिश. पहले ये थिंक होना चाहिए था फिर टॉक, बट ओके. इंग्लिश में बात करो जितनी कर सकते हो और इंग्लिश में ही सोचो, ठीक है? कोशिश करो इंग्लिश में सोच रहे हो, इससे तुम्हारी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी. और सोचोगे तो ही नए वर्ड्स आएंगे, नए वर्ड्स आएंगे तो उन्हें अच्छे से बोल पाओगे और यूज कर पाओगे. वॉच इंटरव्यूज, ये टेड टॉक्स के साथ ही जाना चाहिए. और इंटरव्यूज मैंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला कि वॉच मोटिवेशनल वीडियोज या कुछ. आई विल से वॉच क्लैट है 3 महीने में शांतनु. आई डिड नॉट एडमिट यू बट ओके. अच्छा ये होस्ट ही था. हाँ सो वॉच इंटरव्यूज, मोटिवेशनल स्पीच या कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट इंटरव्यूज लाइक प्रियंका चोपड़ा के सच में बहुत अच्छे होते हैं. इफ यू नो नवल रविकांत, उसके बहुत अच्छे होते हैं. एलॉन मस्क के बहुत अच्छे होते हैं. और किसके बोले इंटरव्यूज, और बताओ किसके अच्छे होते हैं? तुम लोग देखते नहीं हो इंटरव्यूज? शांतनु डू यू वॉच एनी इंटरव्यू? बोलेगा नहीं वो. नो ओके. सो गाइज इफ यू रियली वो, यस श्रेया प्लीज टेल अस हु डू यू प्रिफर वॉचिंग ऑन लिसनिंग टू. ओ ऋषि देव, वेरी नाइस, ब्रिलियंट, नो बडी बेटर देन हिम. ऑल्सो वी हैव अ चैनल कॉल्ड, जो पॉडकास्ट इंडिया में कल्चर आया है वो उसी के चक्कर में आया. लाइक मैं तो उसी को श्रेय देती हूँ उस चीज का, बियर बाइसेप्स करके उसकी इंग्लिश पॉडकास्टिंग होती है और वो अच्छे खासे गेस्ट बुलाता है. सो यू कैन लिसन टू हिम, इंग्लिश वाली पॉडकास्ट सुन सकते हो. ये सब बहुत अच्छे से हेल्प करेगा तुमको. एंड सिक्स वुड बी रीड रीड रीड. और ये मैंने दिए हुए हैं रिकमेंडेशन, ये थोड़ी रिसर्च पे बेस्ड है. ये तुम्हारे मॉक्स में भी शायद यहीं से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इन्हीं के उससे. और मॉक्स हटा के क्लैट, क्लैट तो नहीं बोलूंगी, एलिट में यहाँ से बहुत आ रहे होते हैं, ठीक है? ये वाला थोड़ा नया है, ये दिस इज थोड़ा ऑन अ पॉजिटिव साइड. हम हमेशा यही बोलते रहते हैं इंडिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इंडिया में सब बुरा हो रहा ही हो रहा है. दिस वेबसाइट इज रियली नाइस, बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है. और इंडिया में रोज जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती हैं, दे पुट इट आउट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, एंड वो स्टोरी पूरी इंग्लिश में है. तुम उसको रीड करोगे तो तुम्हें काफी हेल्प हो सकती है, ठीक है? एंड दीज आर रियली गुड वेबसाइट्स, बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं इन पे जो तुम्हें हेल्प करेंगे. एंड लास्ट थिंग इज थैंक यू, यू आर ऑसम, थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय.